दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। जैसा आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले ही इलॉन मस्क ने ट्विटर के सारे शेयर्स खरीद लिए थे। मतलब अब ट्विटर प्राइवेटाइज हो गया है और इलॉन मस्क का पूरा उस पर हक है। मतलब ट्विटर अब खरीदा जा चुका है इलॉन मस्क द्वारा। अभी एक घंटे पहले ही लगभग इलॉन मस्क ने एक और घोषणा की है कि अब वो कोका कोला के सारे शेयर्स खरीद लेंगे। मतलब कोका कोला पूरी तरह से उनके कब्जे में आ जाएगा। तो देखिएगा, 1892 में एस्टेब्लिश हुआ था कोका कोला, और उनका जो मेन रीज़न है कोका कोला में, जो वो कुछ रिफॉर्म करेंगे तो कोकीन की मात्रा को उसमें ऐड करेंगे। एंड बाय द वे, जो ट्विटर को खरीदा था, इस वजह से खरीदा था कि फ्री स्पीच जो है उस पर प्रोवाइड कराई जाए। तो दिस इज़ बिग अपडेट दोस्तों। एक मैं आपके सामने और बात रखना चाहूँगा कि लाइक मान लीजिए कि किसी भी कंपनी में किसी का ऑनरशिप किस आधार पर तय होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि कोका कोला का अभी फॉर नाउ अगर एक शेयर मान लीजिए 65 USD का है, तो अगर मान लीजिए इसका 50% से ज़्यादा शेयर अगर किसी के पास हो जाता है, तो क्या हो जाता है ना, उसका ऑनर एक हिसाब से कहलाने लगता है। लेकिन अगर उसको कम्प्लीटली उसे एक्वायर करना है, हासिल करना है, तो उसके पास 100% शेयर लगभग होना ज़रूरी है। तो इलॉन मस्क कर क्या रहे हैं कि पहले स्मॉल करके शेयर खरीद रहे हैं, जैसे कि ट्विटर में किया था उन्होंने, एंड देन उसके बाद उन्होंने कम्प्लीटली उसे खरीद लिया, सारे के सारे शेयर खरीद लिया, और वो बिल्कुल प्राइवेटाइज्ड हो गई है। और दिस इज़ मेन डिफरेंस बिटवीन PSU, जो मॉडल आप देखते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लाइक यहाँ पे आप बैंक्स देख रहे हैं, ऑयल कंपनीज देख रहे हैं, एंड दूसरी तरफ जो प्राइवेट, फुली प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो। तो अगर आप गवर्नमेंट के ऑर्डर में देखें इंडिया में, तो यहाँ यही होता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज़्यादा 91% लगभग है, तो PSU मॉडल में कहलाएगी। अगर उससे कम शेयर हो जाता है तो वो प्राइवेटाइज्ड हो जाती है। तो बाय द वे, फॉर टाइम बीइंग ये बहुत बड़ी अपडेट है कि इलॉन मस्क अब कोका कोला को भी खरीदेंगे।